क्या आपने ऐसा पेड़ देखा है जिसे छूने से ही आपकी जान जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिससे खून जैसा लाल रंग निकलता है? और क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ 4,500 लीटर तक पानी जमा कर सकता है? अगर आपको ये बातें हैरान कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड बॉटल ट्री, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे नैरो लीव्ड बॉटल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 1848 में फेमस बॉटनिस्ट सर थॉमस मिशेल और जॉन लिंडले द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका ये अद्भुत नाम उनके सूजे हुए ट्रंक और बढ़े हुए बेस के कारण पड़ा, जो लगभग एक बोतल जैसा दिखता है। बताया जाता है कि इस पेड़ का ट्रंक 3.5 मीटर डायामीटर तक फैल सकता है। लगभग 25 मीटर की ऊंचाई वाले इस पेड़ को इसकी अद्भुत बनावट के चलते सबसे अलग माना जाता है। ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और बताया जाता है कि अपने शुरू के साथ 8 सालों तक इसका ट्रंक बाकी पेड़ों की तरह ही दिखता है, लेकिन उसके बाद इसकी मोटाई तेजी से बढ़ने लगती है। रेनबो यूकलिप्टस ट्री, ये पेड़ फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है, जिसे मिंदनाओ गम और रेनबो गम जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस पेड़ की दो सबसे बड़ी खासियत हैं, जो इसे बाकी पेड़ों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली ये कि ये पेड़ हाइट में काफी ऊंचा है। इसकी हाइट तकरीबन 250 फीट तक चली जाती है। और दूसरी खास बात ये है कि इस पेड़ की जो छाल होती है वो रंग बिरंगी होती है, जिसमें नारंगी, पीला, हरा, भूरा आदि रंग देखने को मिलते हैं। ये पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है। यह पेड़ दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसका उपयोग डेकोरेशन या लैंडस्केपिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। सोकोट्रा ड्रैगन ब्लड ट्री, इस पेड़ को ड्रैगन ब्लड ट्री और सोकोट्रा ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। ये पेड़ देखने में काफी अलग है। इसकी शेप कुछ इस तरह से है, मानो पेड़ के रूप में बड़ा सा छाता उग आया हो। इस पेड़ की पत्तियां ब्रांचियोस के अंत में ही उगती हैं और ऊपर की ओर इंगित करती हैं। ये सबसे ज्यादा इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें से लाल रंग के रेजिन निकलते हैं, जिसके चलते इसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता और इसकी पत्तियां भी 3 या 4 साल में ही एक बार झड़ती हैं। इस पेड़ के रेजिन का बहुत महत्व है क्योंकि इसमें ड्रेको नामक एक प्रभावी सब्सटेंस होता है, जिसके कई मेडिकल यूजर्स होते हैं, जैसे घाव और जलन का इलाज, इन्फेक्शंस और स्किन अल्सरेशन का इलाज, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स का इलाज, शरीर में कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना और अधिक। बेओबैब ट्री, ये पेड़ ज्यादातर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ वेस्ट एशिया में पाया जाता है, जिसे लाइफ ऑफ ट्री नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यह पेड़ बड़े आकार तक बढ़ सकता है और 3000 साल तक जीवित रह सकता है। इनकी शेप सिलेंडर की तरह होती है, जिसमें ऊपर की तरफ ज्यादा घनापन देखा जाता है। ये पेड़ बारिश के दिनों में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इस पेड़ को लाइफ ऑफ ट्री के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कई यूजफुल प्रॉपर्टीज होते हैं। एक बेओबैब का पेड़ 4,500 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। जब नदियां सूख जाती हैं और जब बारिश नहीं होती है, तो यह पेड़ लोगों के लिए जीवन रक्षक हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इस पेड़ का सेंटर लोगों को शेल्टर दे सकता है। इस पेड़ के इनर पार्ट्स का इस्तेमाल कपड़ा और रस्सी बनाने के लिए किया जा सकता है और पेड़ के अन्य भागों का उपयोग रबर, साबुन और घी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। द क्रूक्ड फॉरेस्ट, ये एक ऐसा जंगल है जिसे 1930 में नाव जारनोवो नाम के एक गांव के लोगों ने लगाया था। ये जगह पोलैंड में है। इस जंगल में 400 पाइन ट्रीज को लगाया गया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पेड़ अपने बेस से 90 डिग्री पर मुड़ जाते हैं और फिर 3 से 9 फीट तक इसी तरह से मुड़े रहने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये सारे पेड़ ठीक एक ही दिशा यानी नॉर्थ की तरफ ही बढ़ते हैं। पेड़ों के इस असामान्य आकार के पीछे का रहस्य अभी भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्लक्चुएशन या एरिया में एक यूनिक ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये पेड़ इस असामान्य आकार में विकसित हो सकते हैं। ट्री ऑफ तुले, यह पेड़ मैक्सिको में सांता मारिया देल तुले नाम की जगह पर स्थित है। ये तकरीबन 141 फीट ऊंचा है।
एक बात जो इस पेड़ को सबसे खास बनाती है वो ये कि इसका ट्रंक दुनिया में सबसे मोटा ट्रंक है, जिसका डायमीटर 41 फीट तक फैला हुआ है। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय चीज है। ये देखने में इतना घना और बड़ा है कि शुरुआत में जब इसके बारे में खोज की गई तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये कई सारे पेड़ हैं। लेकिन रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि ये अकेला ही पेड़ है जो इतना घना और बड़ा है। इसकी उम्र तकरीबन 3000 साल से भी ज्यादा की बताई जाती है। हाइपरियन ट्री। ये पेड़ कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। साल 2006 में नेचुरलिस्ट सर माइकल टेलर और सर क्रिस ने इसे डिस्कवर किया था। इसकी हाइट की बात करें तो ये 116 मीटर यानी कि 380 फीट ऊंचा है। अगर इसकी ऊंचाई की तुलना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और बिग बेन क्लॉक टावर से करें तो यह 22.6 मीटर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लंबा है और क्लॉक टावर से 19.6 मीटर लंबा है। इसकी उम्र लगभग 600 साल बताई जाती है। रिसर्चर्स ने बताया कि वुडपैकर्स ने पेड़ की टॉप को डैमेज कर दिया, जिसने पेड़ को लंबा होने से रोक दिया है, वरना पेड़ और भी लंबा होता। सैंडबॉक्स ट्री। यह पेड़ अमेज़न फॉरेस्ट, तंजानिया, वेस्टर्न अमेरिका जैसे इलाकों में पाया जाता है। इसके ट्रंक पर गाढ़े भूरे रंग के कांटे होते हैं, जिसकी वजह से इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ये कांटे यह इंसान के शरीर को छू भी लें तो उसकी मौत हो सकती है। इतना ही नहीं, इस पेड़ से निकलने वाला पानी आपकी आंखों को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। और तो और, इस पर लगने वाला फल कद्दू की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में यह भी जहरीले व जानलेवा होते हैं। इस पेड़ के फल पकने के बाद अपने आप ही एक्सप्लोड होकर नीचे गिर जाते हैं। ये एक्सप्लोड एक जोरदार धमाके के साथ होते हैं। यह 60 फीट के रेडियस तक एक्सप्लोड होते हैं और 150 मील प्रति घंटे तक की स्पीड से यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के ऐसे पेड़ जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आपको इनमें से कौन से पेड़ के बारे में जानकर हैरानी हुई, हमें कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी भरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।